हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद मैंने यूट्यूब पे फिर से एक वीडियो अपलोड किया है, और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन फ्राई। उसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच दही डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून, और थोड़ा सा हल्दी, और ये है मटन। और ये है मटन, मैंने लिया है 100 ग्राम, और अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच। पीसे हुआ अदरक लहसुन, और हसबे जायफे के मुताबिक नमक डाल रही हूँ। और मिर्च मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच, और 1/2 चम्मच। और इन सबको लाल हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और कुछ देर इसे रख देंगे। और मैंने यहाँ पर फ्राई के लिए फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल चुकी हूँ हीट होने के लिए। जब तक वो हीट होगा तब तक हम इसे यूं ही रखेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स हो गया तो जायका बहुत बड़ा बढ़िया आएगा। ये देखिए दोस्तों, अब मेरा गोश्त में थोड़ा सा हल्का सा पानी छूटने लगा है। अब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। धीरे धीरे से एक एक छोड़िए ताकि वो अच्छे से तेल में जम जाए, और उसे हल्का से हिला लीजिए। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा मिर्ची ज़्यादा डाली है। अगर आप चाहें तो आपके लिए हिसाब से मिर्च का। अब हमें इसे ये पकने लगा है तेल में मसाला अच्छे से, तो इसे हम अच्छे से फिर थोड़ा इस तरीके से हिला कर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए पकने लगे हैं। पकने के लिए टाइम लगेगा, इसे अच्छे से फ्राई होना है गोश्त। तो अब हम इसे ढक्कन मूंज देंगे कि अब ये इस तरीके से हम इसे हल्के से हाथ से हिलाते रहेंगे ताकि लग ना जाए, ये मसाला इसे चिपक ना जाए, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर को हिलाते रहेंगे। कमेंट्स में बताइए कि अच्छे से मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे लिए दुआ करें, और मुझे बताएं कि कैसे लगी और कैसे आपने तैयारी की है, किस तरीके से आपने पका कर मेरे रेसिपी को देखकर पकाया। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, और लगभग 5 से 5 10 से 10 मिनट पकने में लगेंगे ताकि ये कड़ला हो जाए, अच्छे से कड़ला हो, कड़क हो जाए गोश्त भी, और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। दोस्तों लगभग हमारा गोश्त फ्राई तैयार अच्छे से पक चुका है, अब गोश्त भी हमारा गल चुका है। देखिए ये गोश्त भी हमारा गल चुका है, अच्छे से पक गोश्त भी पक चुका है, और ये मसाला भी भुन चुका है हमारा। यहाँ पर गोश्त फ्राई अब रेडी। लीजिए अब हमें खाने के साथ, ये हमारा मटन फ्राई तैयार हो चुका है, खाने के साथ खाइए या रोटी के साथ, बिल्कुल लजीज, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे एक बॉईल में निकाल कर खा लेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कमेंट्स में मेरे लिए दुआएं कीजिए, साथ में मेरे लिए बताइए कि मेरा सालन कैसा लगा आप लोगों को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ा।